आज के इस वीडियो में मैं प्रेगनेंसी के ऐसे कुछ 7 लक्षणों को आपको बताने वाली हूँ जो कि इम्प्लांटेशन के दौरान ही दिखाई देने लगते हैं। अमूमन हर गर्भवती महिला इम्प्लांटेशन के फेज से गुजरती है। इम्प्लांटेशन आपकी वो चरण होती है प्रेगनेंसी की गर्भावस्था के जो सबसे शुरुआती के दिनों में होते हैं। लगभग इम्प्लांटेशन आपका पीरियड्स के 20वें दिन से स्टार्ट हो जाता है और कई बार ये पीरियड्स मिस होने के लगभग 3 से 4 दिन पहले तक हो चुका होता है। इसलिए तमाम वो लक्षण जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सभी आप महसूस जरूर कर सकती हैं यदि आप गर्भवती हो चुकी हैं, और इससे आपको मदद भी मिलेगी पीरियड मिस होने से पहले ये जानने में कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहला लक्षण होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये काफी ज्यादा साइंटिफिकली प्रूवन लक्षण है, सिम्टम्स हैं, जो कि फ्रेंड्स जैसे ही आपके गर्भ में बच्चा आरोपित होता है वैसे ही दिखाई देता है। ये काफी ज्यादा कॉमनली आपके पीरियड से मिलता जुलता होता है, जैसे कि पीरियड से स्टार्ट होते हैं वैसे ही आपको स्पॉटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन इसका कलर जो होता है ब्लीडिंग का वो भूरे रंग का होता है। ये कुछ मिनटों में ही ठीक हो सकता है। ये दाग नुमा आपके पैंटी पे लगा हुआ दिखाई दे सकता है और ये एक आध दिन या आधे दिन आकर रुक जाता है पीरियड्स के लगभग 1 वीक पहले, तो आप समझ जाइए कि ये गर्भावस्था का पहला लक्षण है। इसके अलावा दूसरा लक्षण भी काफी खास होता है और वो होता है काफी ज्यादा थकावट होना। जब आपके शरीर में डबल स्पीड से काम होते हैं, जब आपका शरीर दुगनी तेजी से काम करता है एक भ्रूण के संरचना के लिए और साथ ही साथ आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तब लगातार कर रहे आपके ऑर्गन्स वर्क वो बहुत जल्दी थकने लगते हैं। साथ ही साथ प्रेग्नेंट महिला को ऑक्सीजन की जरूरत बहुत जल्दी जल्दी पड़ती है ताकि एक छोटा सा भ्रूण अच्छे से विकसित हो सके, इसलिए महिला हमेशा थकी थकी सी रहती है, चाहे वो सुबह सो करके ही क्यों ना उठे, उसका शरीर हमेशा थका हुआ रहता है, इसलिए कमजोरी और सुस्ती काफी ज्यादा आपको महसूस हो सकती है पहले के कुछ महीनों में। इसके अलावा तीसरा लक्षण होता है दोस्तों सर में भारीपन होना। लगातार 3 से 4 घंटे आपका सर दर्द कर सकता है और ये काफी खास और कॉमन सिम्टम्स होता है, क्योंकि अगर शरीर में इतने सारे बदलाव होते हैं तो शरीर को भी इसकी आदि होने में थोड़ा सा समय लगता है, एडॉप्शन में थोड़ा टाइम लगता है प्रेगनेंसी के, तो इस वजह से उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे पड़ता है और जिसकी वजह से आपको हेडेक होते हैं। ये हेडेक जब आपको होने लगे आपके पीरियड्स मिस होने के 10 दिन पहले या 7 दिन पहले से, तो इस समय कोई भी पेन किलर की मेडिसिन ना लें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, आराम करें, सो जाएं और अपने आप को हेड मसाज दें ताकि वो पेन जल्दी से ठीक हो सके। इसके अलावा फ्रेंड्स जो अगला सिम्टम्स होता है वो होता है लगातार आपके लोअर एब्डोमिनल में नाभि के नीचे पीरियड्स के 20वें दिन से बहुत माइल्ड सा पेन होना। ये दाहिने या बाएं साइड भी हो सकता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर आपके गर्भाशय में आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज होती हैं अंडाशय, जो 1 महीने छोड़ करके 1 महीने काम करती हैं। जिस ओवरी से एक रिलीज हुआ है उसे फिलोपियन ट्यूब में आपका एक फर्टिलाइज्ड होता है और ट्रैवल करता है यूट्रस तक जाने में। इस वजह से हो सकता है कि आपको राइट या लेफ्ट वन साइड क्रैम्प की फीलिंग आए, जो कि माइल्ड होती है और कुछ घंटों में ये ठीक हो जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा खास लक्षणों में से आपके ब्रेस्ट में बदलाव भी है। ब्रेस्ट में कई सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी का पता समय से पहले लग जाता है। आपके ब्रेस्ट के निपल के आसपास काफ़ी टेंडरनेस और सोरनेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और ऐसी कंडीशन में जब आप कपड़े भी वेयर करती हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अनइजी सा फील होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के और भी कई सारे सिम्टम्स लगातार बढ़ते हुए हार्मोन की वजह से अपीयर होने लगते हैं, जैसे कि यूरिन सेंसेशन बढ़ जाना, आपको नोजिया की प्रॉब्लम होना, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना और लास्टली आपके पीरियड्स मिस हो जाना। तो ये तमाम सिम्टम्स आपकी प्रेगनेंसी को पुख्ता ही 100% क्लियर कर देते हैं कि महिला प्रेग्नेंट है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल थी। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपने सुझाव मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।